अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिएटिव डिज़ाइन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ इरफान और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में हम न्यू डॉक्यूमेंट या फ्रेश डॉक्यूमेंट या फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं और वो जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें डिफरेंट ऑप्शंस का क्या पर्पस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो फाइल, जैसा कि मोस्टली सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में एक ही तरीका होता है न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल ओपन करने का, या तो हम फाइल से जाकर यू करें या शॉर्ट कमांड कंट्रोल एन। तो जैसे ही हम नया डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन करेंगे तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स या पॉपअप बॉक्स या मॉडल बॉक्स आप कह लें आपके सामने आएगा। तो इसमें ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, इसकी सेटिंग्स वगैरह क्या हैं, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फील्ड है वो नेम की है। नेम में आपने अपने फाइल या डॉक्यूमेंट का जो भी नाम रखना चाहें वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो लेट से मैं टाइप करता हूँ टेस्ट फाइल। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पे हम अपने फाइल या डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करेंगे। इसके बाद प्रीसेट। प्रीसेट क्या चीज है? इसमें हम डिफाइन करते हैं कि जो भी हम फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। यानी कि वैसे मैं तो कस्टम यूज करता हूँ। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस है, आप देख लें, US पेपर, इंटरनेशनल पेपर, फोटो, वेब, मोबाइल ऐप। यानी कि अगर आप वेब के लिए यूज करना चाहें तो अगर आप वेब सेलेक्ट करेंगे तो ये जो साइज की नीचे ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं कस्टम, जिसमें मैं ज्यादा कस्टम यूज करता हूँ, तो इसमें ये डिसेबल होगी। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम वेब वेब के लिए वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो प्री डिफाइंड विड्थ या हाइट्स होती हैं वो ये देखें उसमें आ जाती है। यानी कि आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहेंगे 800x600 का, ये टेबलेट का व्यू है, 1024x768 ये मिनी लैपटॉप्स का है, 1152x864 ये डेस्कटॉप का है, 1280x1024 ये भी डेस्कटॉप का है, ये लार्ज स्क्रीन्स का है। इसके अलावा यहाँ पे भी ऑप्शंस आपको दे रहे हैं बिल्ट इन जो होती हैं। मोस्टली वैसे 1280x1024 यूज होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप यही यूज करें। तो अगर आप वेब के लिए यूज करना चाहें तो इसमें प्री डिफाइंड है, ये यूज कर लें या कस्टम रहने दें। वैसे मैं कस्टम ही यूज करता हूँ। इस केस में ये साइज के जो ड्रॉप डाउन है ये डिसेबल रहेगा। तो यहां से हम अपने पेज की या फाइल की टाइप जो है वो सेलेक्ट करते हैं। इसको आप अगर कस्टम रहने दें तो बेहतर है। इसके बाद यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट या फाइल का जो विड्थ होती है वो डिफाइन करते हैं कि उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। और लेट्स से हमें चाहिए 1000। ठीक है जी, 1000 में टाइप करता हूँ। इसके बाद मेक श्योर करना है कि जब भी आप वेब के लिए काम कर रहे हो, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि हमने पिक्सल्स में काम करना है, क्योंकि वेब में 90% जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज होते हैं वो पिक्सल्स में होते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे वेब टाइप करें ये मेक श्योर करना है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पिक्सल्स हो। इसके अलावा हाइट, लेट्स से मैं 800 टाइप करता हूँ, ये हमारी फाइल और फाइल या डॉक्यूमेंट जो भी हम ओपन कर रहे हैं उसकी हाइट होगी। तो ये भी पिक्सल्स में होनी चाहिए। तो ये इन चीजों का आपने डॉक्यूमेंट ओपन करते हुए ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट जो मोड है रेजोल्यूशन, इसको आपने एज इट इज रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। 72 और मेक श्योर करना कि ये पिक्सल इंचेस में हो, इसको नहीं छेड़ना। कलर मोड की बात करते हैं, तो कलर मोड आप इस ड्रॉपडाउन को ओपन करें तो इसमें डिफरेंट किस्म के कलर मोड्स हैं। जब भी हम वेब पेज बनाएंगे या मोबाइल के लिए एप्लीकेशन के लिए कोई भी डिजाइन करेंगे तो मेक श्योर करना है कि कलर कोड जो होगा, कलर मोड या कलर कोड जो भी हो, वो RGB हो। क्योंकि वेब के लिए जब हम डिजाइनिंग की बात करें तो वेब डिजाइनिंग या वेब पेज डिजाइनिंग के लिए RGB कलर्स यूज होते हैं। RGB मैं पहले भी बता चुका हूँ, RGB से रेड ग्रीन ब्लू बनता है। इसके अलावा जिससे नीचे है CMYK कलर्स,
सी से बनता है सियान, या कैन भी इसको पढ़ते हैं, सियान, मेजेंटा, येलो, प्लस ये जो लास्ट के है इससे बनता है की। सियान, मेजेंटा, येलो, की रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर को। बाकी कलर तो आपको पता है, सियान कौन सा होता है, मेजेंटा, येलो, की, के फॉर की यानी कि ब्लैक कलर। तो ये इन दोनों कलर्स में जो मेन डिफरेंस है, आरजीबी वेब के लिए होता है, और जब हम किसी चीज को प्रिंट करने लगे प्रिंटिंग के लिए सीएमवाई के कलर्स यूज होते हैं। इन दोनों कलर्स में आपने डिफरेंस याद रखना है। ये कलर्स ग्राफिक्स के लिए हम यूज करते हैं, जब हम कोई चीज जैसे प्रिंटिंग के लिए हमने कार्ड डिजाइन करना है, या कोई लोगो प्रिंट करना है, या कोई पेनाफ्लेक्स बनानी है फोटोशॉप में। वैसे तो ये इलस्ट्रेटर में बनती है, लेकिन कुछ लोग फोटोशॉप में भी बनाते हैं, जैसा कि मैं भी फोटोशॉप में ही लोगोज वगैरह बनाता हूँ। तो जब हम लोगोज वगैरह या ग्राफिक्स का वर्क कर रहे हो तो कलर मोड हम सीएमवाई के सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज वेब के लिए आरजीबी, इसको नहीं छेड़ना, 8 बिट ही रहने देना है। बात करते हैं बैकग्राउंड कंटेंट्स की। ये वो चीज है, लेट्स से हम फर्स्ट ऑप्शन इसमें व्हाइट सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं व्हाइट रख के ये इन्फॉर्मेशन सारी डाल दूंगा, ये एडवांस को आप कोलैप्स करने इसकी जरूरत नहीं है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बैकग्राउंड कंटेंट्स में मैं अगर व्हाइट सेलेक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन मेरी फुलफिल्ड है, ओके करूंगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा। ये देखें, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं 0 से लेकर 1000 विड्थ जो हमने दी थी, और हाइट 800। ये देखिए, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट की हाइट और विड्थ विद व्हाइट बैकग्राउंड, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कंटेंट व्हाइट सिलेक्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फाइल का नाम टेस्ट फाइल, ठीक है जी। जूम लेवल 66.7% है, कलर मोड आरजीबी है, और 8 बिट है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये अगर हमें व्हाइट बैकग्राउंड के साथ डॉक्यूमेंट चाहिए हो, फाइल चाहिए हो, तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरी, दोबारा मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा, कंट्रोल एन, मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ टेस्ट फाइल, ठीक है जी। बाकी प्री डिफाइंड है, 1000 जो हमने दिया था, 800 वही सब कुछ है, लेकिन हमें इस बार व्हाइट नहीं बल्कि कलर्ड बैकग्राउंड के साथ फाइल ओपन चाहिए। जब हम ये कलर सेलेक्ट करेंगे तो कलर कौन सा फिल होगा, जो भी अगर आप ये कलर पैनल में देखें, मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट जो होता है ये फोरग्राउंड के लिए, और जो सेकंड होता है ये बैकग्राउंड के लिए। तो जो भी कलर इस नीचे लोअर बॉक्स में, बैकग्राउंड बॉक्स में सिलेक्टेड होगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट ओपन होगा। देखिए, मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखिए जो भी कलर यहाँ पर फिल था वो हमारे बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में फिल्ड हो गया है, ठीक है जी। तीसरी और लास्ट टाइप, इसको भी हम नाम देते हैं टेस्ट फाइल, 1000 by 872 सब सिलेक्टेड है। ये जो टाइप है इसमें ना व्हाइट होगा ना कोई बैकग्राउंड कलर, ये जस्ट ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट ओपन होगा, यानी कि खाली एम्प्टी डॉक्यूमेंट, सिर्फ 1000 by 800 की हाइट विड्थ दी होगी और उसमें कुछ भी नहीं होगा। देखिए, ये ऐसा दिखेगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है जी। तो ये तीन किस्में हैं डॉक्यूमेंट ओपन करने की, व्हाइट बैकग्राउंड, कलर्ड और ट्रांसपेरेंट। तो ये दोस्तों डिफरेंट किस्म के वेज हैं फोटोशॉप में नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल ओपन करने के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, कोई चीज मैंने मिस की हो, या आपको कुछ पूछना हो, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योर सेल्फ, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।